Hey guys, hi, welcome back to my channel. मैं हूँ शाइनी. आज मैं क्रिएट करने वाली हूँ ये इजी सिंपल सा समर फ्रेंडली मेकअप लुक. और ये लुक जो है ये काफी कलरफुल सा समर के लिए परफेक्ट है. बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है एंड मैंने बहुत कम क्वांटिटी में सारे प्रोडक्ट्स लिए हैं. बहुत ही ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ ये जो मेकअप लुक है ये क्रिएट करना सिखाऊंगी. सो इस वीडियो को पूरा देखिए. और ये जो मेकअप लुक है ये आप बिना कोई मेकअप ब्रश इस्तेमाल किए, मेकअप टूल इस्तेमाल किए या फिर सिर्फ एक मेकअप टूल होना, मतलब एक मेकअप ब्रश हो तो ही पूरा काम हो जाएगा आपका. तो काफी ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है ये मेकअप. सो आप इस मेकअप लुक को डे टाइम भी कैरी कर सकते हैं, नाइट टाइम में भी कैरी कर सकते हैं. समर के लिए अप्रोप्रिएट है. सामने ईद है, ईद पर आप इस मेकअप लुक को डेफिनेटली क्रिएट कर सकते हैं. सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सो मैंने अपने फेस पर ऑलरेडी मॉइस्चराइजर लगा लिया है. मेरी स्किन अभी प्रेप हो चुकी है मेकअप के लिए. सबसे पहले मैं ब्लू हेवन एक्स फैक्टर फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ अपने होल फेस एंड नेक पे. ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये फाउंडेशन अच्छा नहीं लगा. ये फाउंडेशन बहुत ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी में है. समर के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसका शीयर कवरेज है. एकदम कवरेज बिल्कुल ना के बराबर है और वाटरप्रूफ स्वेट प्रूफ नहीं है. और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ये वाइट वाइट सा लग रहा है. तो मैंने इसे अपने नेक पर भी अच्छे से अप्लाई कर लिया है. आप चाहते हैं तो ये जो फाउंडेशन स्टेप है इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि समर सीजन है, लाइट मेकअप चाहिए. नेक्स्ट मैंने कंसीलर अप्लाई किया है. मेरा शेड है मेबेलिन फिट मी का 25 मीडियम. आप चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हैं अपने पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए, डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए. और फिर मैंने फिंगर की मदद से ही ब्लेंड किया है. फिंगर की वॉर्म से बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है. अगर आपके पास मेकअप टूल नहीं है तो आप इस तरीके से मेकअप को अप्लाई कर सकते हैं. फिर मैंने ये निविया का जो टैल्क है ये इस्तेमाल किया है. इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है. जस्ट ट्राई दिस वंस. बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट में है. इससे मैं अपने फेस को बेक करूँगी क्योंकि मेरे फेस ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है बहुत जल्दी. सो नेक्स्ट मैंने मिस रोज प्रोफेशनल मेकअप का जो ये आई शेडो पैलेट है जिसमें 36 आई शेडोज मिलते हैं एंड दीज कलर्स आर परफेक्ट फॉर समर, इसे मैंने इस्तेमाल किया है. इससे मैंने ये जो रेड शेड है इसे मैं पहले अपने यहाँ पर जो ब्रश दिया गया था आई शेडो पैलेट के साथ उससे मैंने उसे डिपॉजिट किया है. देन मैं क्लीन ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसे मैं ब्लेंड कर रही हूँ. आपको जस्ट एक ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए, उससे ही आप पूरे आई शेडो को अप्लाई कर सकते हैं. ये जो आई शेडो पैलेट है ये मैंने शॉपजी ऐप से लिया है. शॉपजी पर मैंने अपना खुद का एक ब्यूटी स्टोर ओपन किया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैंने लिंक प्रोवाइड किया है. आप उस लिंक से मेरे स्टोर पर एंटर कर सकते हैं. शॉपजी ऐप को आप उसी लिंक से भी इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं. मैं सारे ही प्रोडक्ट्स ना बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स से एंड वेल नोन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स से एंड ऑल द प्रोडक्ट्स आर हैंड पिक्ड बाई मी. काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स है तो मैं नए नए प्रोडक्ट्स लाती रहूंगी अपने स्टोर पे. तो आप मेरे स्टोर को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं. ऑल्सो आप फर्स्ट ऑर्डर पर आपको 50 रुपीज़ फ्लैट 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा. फ्री गिफ्ट्स, रिवॉर्ड्स, कॉइन्स आपको मिलेंगे. सो आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने अपने आईब्रोज़ को फिल किया है जिसके लिए मैंने ब्लू हेवन आर्टिस्टो ये ब्राउ पेंसिल से अपने आईब्रोज़ को ब्रश किया है. यू कैन क्लियरली सी कि मेरे आईब्रोज अभी ग्रूम्ड नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली कोविड सिचुएशन में मैं अभी पार्लर जाना नहीं प्रेफर करती. इट्स नॉट एट ऑल सेफ. तो अनग्रूम्ड आईब्रोज ही ठीक ही है. मैं अभी क्या करूँ, आई डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन ऑल्सो. सो इसी से ही मुझे अभी काम चलाना पड़ रहा है. सो मैंने एक येल्लो कलर को लिया है और अपने इनर कॉर्नर्स पर आई शेडो अप्लाई किया है. तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा एक समरी सा लुक मुझे मिला है. तो ब्लेंडिंग जो ब्लेंडिंग ब्रश है ना उससे मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर लिया है. नेक्स्ट मैं अपने आई लैशेज़ को कर्ल करूँगी क्योंकि मैं कोई फॉल्सेस अप्लाई नहीं कर रही हूँ. तो मैं अपने आई लैशेज़ को इस तरीके से कर्ल कर लूँगी. और फिर मैंने मस्कारा अप्लाई किया है. ये है मेबेलिन कोलोसल मस्कारा. थोड़ा सा ड्राई हो गया है ये वाला मस्कारा तो मैंने इसे अच्छे से अपने लैशेज़ को कोट कर लिया है. और मैं समर सीजन में फॉल्स आई लैशेज़ प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेट के कारण ना वो कई बार निकल भी जाता है. तो ये जो सारे प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ ये आपको शॉपजी ऐप पर मेरे ब्यूटी स्टोर पर मिल जाएगी. तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है वहाँ से आप सारे प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं. एक्सेस पाउडर को मैंने एक पाउडर ब्रश से रिमूव कर लिया है. आप चाहते हैं तो आप नॉर्मली अपने हैंड से भी, फिंगर से भी इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट मैंने कॉन्टूरिंग किया है एक नॉर्मल
ब्राउन कलर का पेंसिल से। आप चाहते हैं तो पाउडर कंटूर भी कर सकते हैं, आप जो आई शैडो पैलेट है वहाँ से ब्राउन शेड लेकर कंटूरिंग कर सकते हैं। मैं सिर्फ अपने नोज़ को कंटूर करूँगी क्योंकि मैं अपने फेस पर ब्लश अप्लाई करूँगी। ये थोड़ा सा समरी सा क्यूट सा लुक है तो मैं कंटूर हार्श कंटूर नहीं प्रेफर करती। फिर जो आई शैडो पैलेट है वहाँ पर आप देख सकते हैं इस साइड पूरा पिंक शेड्स है, तो मैंने सारे शेड्स को मिक्स करके हल्का हल्का कलर मैंने डिपॉजिट किया है अपने चीक्स पर। आप लोग देख सकते हैं मैं कितने हल्के कलर अप्लाई कर रही हूँ, बिल्कुल भी आपको एक बार में ज़्यादा कलर नहीं लेना है। हल्का इस तरीके से आपको हल्का हल्का करके कलर को डिपॉजिट करना है, ज़्यादा कलर ना आप ब्लेंड नहीं कर पाओगे, फिर इट वॉन्ट लुक नेचुरल एट ऑल। और समर सीजन में बहुत लाइट वेट मेकअप, बहुत लाइट मेकअप चाहिए। तो फिर मैंने लिप शेड अप्लाई किया है जो कि एकदम न्यूड लिप शेड है क्योंकि मेरे ऑलरेडी आईज़ पे काफ़ी ज़्यादा कलर है। तो ये मेबेलिन का 631 शेड मिस्टीरियस मौका शेड है, बहुत ज़्यादा न्यूड शेड है, आईज़ में बहुत ज़्यादा कलर है। ऑल्सो मैंने चीक्स पर ब्लश अप्लाई किया है जो कि थोड़ा सा पिंकिश ब्लश है, इसीलिए मैंने ये वाला मॉव लाइट मॉव कलर जो कि एकदम न्यूड शेड है ये अप्लाई किया है ताकि बैलेंस आउट हो जाए। एंड दिस इज़ माय फाइनल फिनिश्ड लुक। आप सबको कैसा लगा ये लुक ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। गाइस दिस इज माय फाइनल फिनिश्ड लुक। आई होप आप सबको ये लुक पसंद आया है और इसी तरीके का अगर मेकअप लुक्स आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करना अगर आप इन प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, बाय।